जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। और आज हम बात करने वाले हैं मई 2021 के राशिफल के बारे में और कैसा रहने वाला है सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं का मई 2021 का ये महीना। क्या शुभ संकेत आपके लिए इस राशिफल में बन रहे हैं और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, जिसे आप जब आपका जन्म हुआ और जिस स्थान पर जिस घर में आपके चंद्रमा विराजमान थे जिस राशि में, उस राशि को हम चंद्र राशि मानकर ये राशिफल बनाते हैं। तो ये राशिफल जो है ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता है, आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, तो आप नाम राशि के आधार पर भी ये राशिफल देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये साल 2021 का मई का महीना। देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ों को लेकर आपको सावधानी जरूर बरतनी है। जैसे में अगर देखा जाए तो मई में सिंह राशि वालों को कार्य क्षेत्र में काफ़ी सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, तो इसलिए पहले से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सावधानी बरतें और सतर्क रहें। चलिए, अब अगर बात करें हम आपके नौकरी के बारे में, नौकरी की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो नौकरी जो कर रहे हैं जातक उनको समझदारी से मई के महीने में काम लेने की आवश्यकता है। नौकरी में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके सीनियर्स या सहकर्मी आपको परेशान कर सकते हैं, आपको आपकी नौकरी पर बाधाएं डाल सकते हैं, दिक्कत परेशानी भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो नौकरी को लेकर आपको सतर्क जरूर रहना है, अन्यथा नौकरी में नुकसान आपको हो सकता है। जिनके पास नौकरी नहीं है तो उनके लिए भी 14 मई के बाद से शुभ संकेत है नौकरी प्राप्ति के। 14 मई तक अभी उनको और नई नौकरी प्राप्ति के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। अगर व्यापारी वर्ग की हम बात करें, व्यापारियों के लिए कैसा रहने वाला है जो सिंह राशि वाले व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए काफ़ी बेहतरीन महीना ये रहने वाला है, या मैं कहूँ आपको काफ़ी लाभकारी महीना ये साबित होगा। पुराने कई महीनों की तुलना में मई का महीना आपको काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आया है। व्यापार में वृद्धि, व्यापार में नए व्यापार की योजनाएं आपकी सफल होंगी, व्यापार में अच्छा लाभ आपको मिलेगा, आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा मई के महीने में, जिससे आपको व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो व्यापार में आपके अच्छी वृद्धि और धन लाभ की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आर्थिक स्थिति की हम बात करें, धन की स्थिति की बात करें, तो मई के महीने में आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेगा। आमदनी बढ़ेगी, वहीं खर्चे भी आपके बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, तो जितना हो सके धन संचय करके चलें ताकि आपको मई में धन संबंधित कोई भी समस्या परेशान ना कर सके। स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें, हेल्थ के लिए बात करें, हेल्थ की स्थिति कैसी रहेगी सिंह राशि वालों की, तो स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी समस्याएँ आपको सता सकती हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं मई के महीने में। वहीं दूसरी तरफ कुछ जातकों को, जो सिंह राशि के कुछ जातक हैं, उनको कोई बड़ी बीमारी भी इस मई के महीने में परेशान कर सकती है, तो आप अपने विशेषकर खान पान का, अपने स्वास्थ्य का, अपने व्यायाम का ये जरूर ख्याल रखें। जितना हो सके अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और व्यायाम जरूर करें ताकि कोई भी हेल्थ संबंधी समस्या आपको परेशान ना कर सके। अगर हम प्रेम विवाह की बात करें या प्रेम प्रसंग की बात करें, लव लाइफ की बात करें सिंह राशि वालों को, तो लव लाइफ में आपकी नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। एक नए सिरे से आपकी नए रिलेशनशिप बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपके और आपके पार्टनर के सकारात्मक विचार रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा आप दोनों को देखने को मिलेगी आपके लव लाइफ में, आपके प्रेम जीवन में। अगर वैवाहिक जीवन की हम बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो मैरिड लाइफ में मई का महीना आपके लिए काफ़ी बेहतरीन महीना रह सकता है, लाभकारी महीना साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपका आपके जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का, आउटिंग के लिए जाने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। अगर हम आपके बात करें संतान सुख के बारे में, तो संतान को लेकर जरूर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मई के महीने में शुरुआती 14-15 दिन के अंदर अंदर ही संतान की तरफ से कोई ना कोई आपको अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जैसे संतान को कोई चोट वगैरह लग सकती है, दुर्घटना संतान की बन सकती है, या संतान को स्वास्थ्य संबंधित कठिनाई भी परेशान कर सकती है। अगर आपके हम परिवार जीवन की बात करें, आपके पारिवारिक की बात करें, परिवार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, तो पारिवारिक तालमेल आपका काफ़ी मिला जुला नजर आ रहा है। समाज में आपके पद प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं हानि होनी संभव है, आपको समाज की तरफ से कोई ना कोई हानि या ठेस पहुंच सकती है। परिवार में आपके रिश्ते कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपके माता पिता के साथ या आपके भाई बहनों के साथ
आपके रिश्तों में खटास या दूरी भी बन सकती है। इसके लिए आप पहले से सचेत रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। आप अगर परिवार के साथ रहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ जो शब्द बोलते हैं, बात करते हैं, उनमें नम्रता लाएं, क्रोध कम करें और क्रोध पर संयम रखें। अपने क्रोध पर काबू रखने की जरूर आपको आवश्यकता है मई के महीने में। अगर हम बात करें आपके ओवरऑल मई का महीने में किस चीज़ को लेकर आपको अच्छे योग है, तो काम के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी या आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यात्रा में आपके अच्छे योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप मकान लेने के लिए विचार कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए आप विचार कर रहे हैं, तो मई के महीने में आपके प्रॉपर्टी और वाहन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सिंह राशि वालों का राशिफल है। इसके अतिरिक्त अगर आपको अपनी किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी के बारे में जानना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर अपनी डिटेल हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको आपकी सभी समस्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे विनती करूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी मित्रों।